बच्चों मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक या चैप्टर का नाम है बच्चों 11th चैप्टर किरण प्रकाशिकी। और बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश के बारे में ये चैप्टर रिलेटेड है। और बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम प्रकाश को एक किरण पुंज मान करके उसकी क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे पाठ्यक्रम में इस चैप्टर से कौन कौन से बिंदु या कौन कौन से शीर्षक हटा दिए गए हैं और कौन कौन से शीर्षक अभी भी उपस्थित है। तो बच्चों यहां पर हटाए गए शीर्षक है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं इसके एप्लीकेशन, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं और मानव नेत्र दोष एवं निवारण। बच्चों ये जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन बच्चों इनको पढ़ना एक बार बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर हम प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ेंगे, जब हमको यही मालूम नहीं होगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के क्या रूल होते हैं, तो बच्चों इस चैप्टर को हम कैसे समझेंगे, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लेंस मेकर सूत्र यहाँ पर जो होगा, प्रकाशिकी तंतु, ये प्रकाशिकी तंतु के अंदर बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत ही लागू होता है। बच्चों तो बहुत सारे टॉपिक है यहाँ पर, परावर्तक, अपवर्तक, दूरदर्शी, जिनके अंदर परावर्तन अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। और जब हमें ये बेसिक पार्ट जो पार्ट है वो ही नहीं पता होगा तो हम इन मेजर पार्ट को हम कैसे करेंगे। और बच्चों सिलेबस आप कहोगे तो सर जो हटाने वाले ने तो बहुत गलत किया है। बच्चों गलत नहीं किया है, ये सभी टॉपिक हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि बच्चों ने 10th क्लास में टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए होंगे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 10th में पढ़ा हुआ 11th में साफ हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक भी कवर कराऊंगा और बच्चों ये टॉपिक भी कवर कराऊंगा, क्योंकि आप 12th पास करने के बाद में बहुत सारे बच्चे होंगे जो नीट की, JEE की तैयारी करेंगे, कोई एयरफोर्स की तैयारी करेगा, और बच्चों वहां पर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि कोरोना लग गया तो आप इन टॉपिकों को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो वहां पर आपको सभी टॉपिक पढ़ने होंगे। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे होते हैं जो 10th में, 12th में, जो 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज बनाने के बाद में भी उनका JEE में या नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, उसका रीजन होता है उसको कितना नॉलेज है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको ये देखता है आपके पास कितना नॉलेज है, आप उसका यूज कैसे करते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है, आपका बेसिक कितना मजबूत है। ठीक है ना, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से आपको ये चैप्टर कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, हम ये टॉपिक भी पढ़ेंगे और ये टॉपिक भी पढ़ेंगे। बच्चों इन टॉपिकों को हम पढ़ने के बाद में छोड़ देंगे, एक बार पढ़ने के बाद में मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं एक क्लास के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रत्येक टॉपिक तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि बच्चों ये चैप्टर प्रकाश से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना, प्रकाश के क्या गुण हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या, कैसे होता है और परावर्तन के क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे चिन्ह परिपाटी, अब चिन्ह परिपाटी के बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है ना, तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं। तो देखो पहले रेडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास में भी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे कि मैं कब लाइव आ रहा हूं। ठीक है, कब वीडियो डाले जा रहे हैं, ये आपको सारी बातें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है,
तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट। बच्चों नोट्स के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर तक भी दे रखे हैं, वहां पर एनी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। तो बच्चों जो प्रकाश होती है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा है। और बच्चों यह ऊर्जा है वो किसके रूप में संचित होती है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किसके रूप में संचित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। बच्चों प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो किसके रूप में संचरित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश विद्युत तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। और बच्चों यह बात किसने बताई, यह बात किसने बताई बच्चों, मैक्सवेल ने। किसने बताई, मैक्सवेल ने बताई कि जो प्रकाश होता है वो एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और यह बात सबसे पहले किसने बताई, मैक्सवेल ने बताई। और आपको पता है बच्चों प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है और यह हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो अंधेरा होगा और अंधेरे के अंदर हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और वो कैसे देख पाते हैं बच्चों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों, ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, संचित होती है। जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया बच्चों, मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया बच्चों, मैक्सवेल ने बताया। अब बच्चों अगर मैं बात करूं जो हमारे पास में दृश्य प्रकाश होता है, क्या होता है, दृश्य प्रकाश। बच्चों सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो सात अलेली रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक प्रकाश का एक भाग होता है दृश्य प्रकाश। आप कहोगे दृश्य प्रकाश क्या है बच्चों, जिस प्रकाश को हम आंख की सहायता से देख पा रहे हैं वो प्रकाश क्या है बच्चों, दृश्य प्रकाश है। क्या है बच्चों, दृश्य प्रकाश है। और बच्चों याद रखना, जो दृश्य प्रकाश है उस दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है या तरंग दैर्ध्य प्रास होता है वो बच्चों कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य प्रास होती है वो कितनी होती है बच्चों, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और बच्चों आपको मैं क्लियर कर दूं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने होते हैं, किसके इक्वल होता है, 10^-10 मीटर के। तो बच्चों यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर में भी, नैनोमीटर में चेंज कर सकता हूं। आप कहोगे सर कैसे, तो बच्चों एंगस्ट्रॉम को मैंने क्या लिखा, 10^-10 मीटर। और बच्चों 10 है, इसको मैं 10^1 लिख सकता हूं, ये 338 हमारे पास में ऐसे कैसे रहे, 10^1 मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई और कर दें। तो बच्चों देखो यहां पर 10^1 प्लस की है, 10^-10 माइनस की है, तो बच्चों हमारे पास 10^-9 बच जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, नैनोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, नैनोमीटर। तो बच्चों आप ये याद रखना, नैनोमीटर में अगर हमारे पास में डाटा हो तो हमारे पास में ये रहेगा, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। बच्चों काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको ये प्रास न दे करके 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी दे देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दे रखा है तो आपको ऑप्शन में ये नहीं होगा, मैंने ये एनसीईआरटी का डाटा आपसे शेयर किया है, ठीक है बच्चों, क्लियर ये बात। और बच्चों जो हमारे पास में जो दृश्य प्रकाश होता है,
कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश होता है बच्चों। वो कितने अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है? सात अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है, सात अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है। और बच्चों ये सात अवयवी रंग हमारे पास में कौन कौन से हैं, इनके लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। और वो बच्चों क्या था? विबग्योर। क्या था बच्चों? विबग्योर। बच्चों यहां पर वी मतलब क्या होता है? वोयलेट होता है। वोयलेट का मतलब हमारे पास में यहां क्या होता है? बैंगनी होता है। आई मतलब क्या होता है बच्चों? इंडिगो होता है, जिसका मतलब जामुनी होता है। बी मतलब बच्चों ब्लू होता है। जी मतलब ग्रीन हरा होता है। वाई मतलब येलो पीला होता है। और ओ मतलब बच्चों क्या होता है? ऑरेंज होता है। और बच्चों आर मतलब हमारे पास में क्या होता है? रेड होता है। तो बच्चों ये बात याद रखना, जो जो दृश्य प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सात रंगों से मिलकर बना होता है। और बच्चों वो सात रंग हमारे पास में कौन कौन से हैं, ये विबग्योर ट्रिक के माध्यम से हमारे सात रंग बच्चों क्लियर हो गए। और अगर बच्चों हिंदी के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो आप ये भी याद रख सकते हो, बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में बच्चों क्या हो गए? सात रंग हो गए। और बच्चों याद रखना, जब हमें वोयलेट से रेड की तरफ चलते हैं तो जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बच्चों क्या होती है? बढ़ती है। तो इसका मतलब है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश हमारे पास में कौन सा है बच्चों? कौन सा है बच्चों? तो याद रखना ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो हमारे पास में कौन सा होगा बच्चों? बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का। और बच्चों सबसे अधिक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होगा वो हमारे पास में बच्चों कौन से रंग का होगा? लाल रंग का। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में अभी तीन चार बहुत छोटे छोटे और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आए हैं बच्चों, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। हमारा बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। जो आने वाला जमाना है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टाइप से, बहुत ही अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं। हमको एक एक चीजें अच्छी तरीके से कवर होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या क्लियर किया है, जो प्रकाश है वो क्या है हमारे पास में? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और बच्चों यह बात किसने बताई है? सबसे पहले मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताई है। और बच्चों जो दृश्य प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो याद रखना सात रंगों से मिलकर बना होता है। और वो सात रंग हमारे पास में कौन कौन से हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया विबग्योर के माध्यम से। और बच्चों इनमें से सात रंगों में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? वोयलेट की होती है। और सबसे अधिक किसकी होती है? रेड की होती है। तो वोयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो बच्चों तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो अभी तक हमने, और बच्चों जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है वो बच्चों 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, मतलब या मैं कहूं 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच होती है। तो बच्चों ये चीज आपके क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये बात बच्चों क्लियर, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपनी नोटबुक में इसको उतार लिया होगा। ठीक है ना, अब बच्चों हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। तो देखो बच्चों प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, तो देखिएगा प्रकाश के गुण तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना और बहुत मजे से समझना।
मैं एक एक चीज आपको बहुत बढ़िया लेवल से मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो बच्चों मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो हमारे पास में जो प्रकाश का जो गुण आता है वो क्या आता है बच्चों, कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है वो बच्चों हमेशा सीधी सरल रेखा में क्या करता है बच्चों, गमन करता है। क्या करता है? सीधी सरल रेखा में क्या करता है बच्चों, गमन करता है। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण हमारे पास में क्या आता है, प्रकाश हमेशा, प्रकाश सीधी सरल रेखा में, प्रकाश सीधी सरल रेखा में क्या करता है बच्चों, गमन करता है, गमन करता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास में गुण आता है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश कभी भी सांप की तरह लहरदार गति या टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करता है, ठीक है बच्चों, ये बात विशेष याद रखना। प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश का जो गमन का जो पथ होता है वो बच्चों कैसा होता है, तो बच्चों याद रखना वो कैसा होता है, ऋजु रेखीय। मतलब प्रकाश का जो गमन का जो पथ होता है वो कैसा होता है बच्चों, ऋजु रेखीय पथ होता है। ऋजु रेखीय मतलब बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा में, ठीक है ना। बस अब इसी को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया ऑप्शन को, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और बच्चों कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा कि प्रकाश का जो गमन का पथ होता है वो ऋजु रेखीय होता है, एक सीधी सरल रेखा में होता है। यह बात, इसका सत्यापन या इसका मैं कहूं प्रमाण हमें कौन सी घटनाओं से देखने को मिलता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी घटना से देखने को मिलता है। तो बच्चों जो प्रकाश है उसका जो गमन का जो पथ है वो ऋजु रेखीय होता है, यह बात हमें कुछ दो चार घटनाएं हैं जिनसे हमें ये बात सिद्ध हो जाती है। अब बच्चों वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है, तो वो सबसे पहले वो घटना हमारे पास में आती है बच्चों, कौन सी आती है, सूर्य ग्रहण। कौन सी घटना आती है, सूर्य ग्रहण। बच्चों सूर्य ग्रहण हमें यही बात को क्लियर करता है कि प्रकाश होता है वो सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अब आप कहोगे सर कैसे, हमें सिद्ध करके बताइए। तो बच्चों सूर्य ग्रहण कब होता है, देखो सूर्य होता है, सूर्य होता है और हमारे पास में क्या होती है बच्चों, पृथ्वी होती है। क्या होती है, पृथ्वी होती है। आपको पता है जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। और बच्चों पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो काफी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारे पास में जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसके कारण जो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं बच्चों और पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो बच्चों जो पृथ्वी पर जो पहुंचती हैं वो बच्चों याद रखना चंद्रमा के इस भाग की, देखो ये चंद्रमा यहां इधर रुकावट कर दिया यहां इस भाग में, तो बच्चों इस भाग में हमारे पास में क्या उत्पन्न हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और बच्चों इस घटना को ही क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरी घटना हमारे पास में आती है बच्चों, कौन सी घटना, वही बात, इसी प्रकार से हमारे पास में चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में बच्चों क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब की बार बीच में कौन आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। तो बच्चों देखो ये हमारे पास सूर्य है और ये हमारे पास में मून है, चंद्रमा है, ठीक है। ये लाइट जा रही है और यहां बीच में बच्चों क्या आ गई, अर्थ आ गई, पृथ्वी आ गई। तो बच्चों जब पृथ्वी आ गई तो चंद्रमा के इस भाग में क्या हो जाएगा, अंधेरा, अंधकार उत्पन्न रह जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बच्चों इस घटना को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर प्रकाश सीधी सरल रेखा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है।
अगर प्रकाश तिरछी रेखा में गमन करा तो आपको पता है प्रकाश यहां तक पहुंच सकता है आसानी से। और बच्चों वही बात, अगर हमें ये कमरे का है, ये दो कमरे हैं, मैं इस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे में कोई है, अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं तो प्रकाश से मैं सामने देख सकता हूं, यहां तक देख सकता हूं, इस कमरे में मैं नहीं देख सकता क्योंकि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करने लग जाए तो हम यहां बैठे पता लगा सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो बच्चों याद रखना, प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। दूसरी बात बच्चों, दो घटनाएं हो गई, इसी प्रकार से बच्चों एक घटना हमारे पास में आती है, वो क्या आती है, तीसरी घटना हमारे पास में आती है बच्चों, सूची छिद्र कैमरा। कौन सी आती है, सूची छिद्र कैमरा। आप सोच कहोगे सर ये कौन सा कैमरा आ गया। बच्चों प्राचीन जमाने में, पहले के जमाने में एक कैमरा चलता था जिसको हम क्या कहते हैं, सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। इसमें एक काठ का लकड़ी का बॉक्स होता है जिसकी जो आंतरिक सतह है वो कैसी होती थी बच्चों, ब्लैक होती थी। और बच्चों इसकी बाहरी जो सतह है ये मैं कहूं ये है सूची छिद्र, इसको बोलते हैं सूची छिद्र। और बच्चों ये कैसी बनी होती है, पारदर्शी, यहां पर कांच लगा होता है, पारदर्शी होता है। और बच्चों यहां पर कोई वस्तु रखी होती है, यहां पर कोई वस्तु रखी होती है, जैसे मैंने मान लिया कि ये ए और बी कोई बिंब है या क्या है हमारे पास में कोई वस्तु है, तो बच्चों इस वस्तु से जो चलने वाला प्रकाश है, इस वस्तु के ऊपरी सिरे से जो चलने वाला प्रकाश है वही सूची छिद्र में जाएगा, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जाएगा और इसका प्रतिबिंब, और बच्चों निचले भाग से बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जाएगा और यहां पर टकराएगा। और बच्चों यहां पर हमारे पास में एक प्रतिबिंब बनेगा, ये ए है ये तो यहां पर ए बन जाएगा, बी है यहां पर बी बन जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में सूची छिद्र कैमरा है, उसके अंदर ये जो प्रतिबिंब होता है वो बच्चों कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो आप यहां पर देख रहे हो जो प्रकाश वो सीधी सरल रेखा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, ठीक है। तो ये घटना भी हमें ये बात बताती है कि प्रकाश के जो गमन का पथ होता है वो कैसा होता है, ऋजु रेखीय होता है। और बच्चों एक घटना और आती है हमारे पास में, वो क्या आती है, प्रछाया। प्रछाया जिसे हम क्या बोलते हैं, छाया व उपज छाया का बनना। अब आप कहोगे सर ये क्या है, अरे छाया और जिसको हम बोलते हैं परछाया, छाया का बनना भी क्या कहलाता है, कौन सा, हमें ये बात सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो बच्चों ये हमारे पास में कोई बल्ब है, ये हमारे पास में कोई क्या है बच्चों, बल्ब है, बल्ब है, बल्ब है, ठीक है बच्चों, ये बल्ब है। अब देखो यहां इस बल्ब से मैं यहां पर एक छिद्र कर देता हूं जिससे प्रकाश बाहर आ रहा है, तो बच्चों इससे प्रकाश जो बाहर आ रहा है उसके मार्ग में मैं क्या रख देता हूं, एक अवरोधक रख देता हूं, क्या रख देता हूं, अवरोधक, एक अपारदर्शी वस्तु, क्या रख देता हूं, अपारदर्शी वस्तु रख देता हूं। तो देखो यहां से जो प्रकाश चलेगा, यहां से जो प्रकाश चल रहा है इस पर्दे पर, इस पर्दे पर हमारे पास में यहां पर क्या बन जाएगा, डार्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, डार्क, बिल्कुल डार्क, इसकी क्या बन जाएगी, छाया, क्या बन जाएगी, छाया। लेकिन बच्चों प्रकाश का जैसे ये भाग जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, कुछ प्रकाश ऐसे जाएगा, कुछ प्रकाश ऐसे जाएगा, तो बच्चों जब ये जाएगा तो यहां पर भी इसका कुछ भाग हमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा लाइट दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, उपज छाया बोलते हैं, ठीक है ना। बस आप तो ये याद रखना, ये सिद्ध करता है हमें कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। तो याद रखना पहला गुण है हमारे पास में, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश के जो गमन का पथ होता है वो ऋजु रेखीय होता है। और यह बात हमें कौन सी घटनाओं से सिद्ध होती है, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, सूची छिद्र कैमरा और छाया और उपज छाया का बनना।
तो बच्चों ये चीज क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, इसके नेक्स्ट गुण के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम। इसका अगला गुण कौन सा है? तो बच्चों देखिएगा अगला गुण हमारे पास में कौन सा आता है। तो देखो बच्चों, जो प्रकाश होता है तो प्रकाश के संचित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है, प्रकाश के संचित होने के लिए, प्रकाश के संचित होने के लिए, होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों याद रखना, प्रकाश के संचित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ठोस में भी संचित हो सकता है, द्रव में भी संचित हो सकता है, मतलब मैं कहूं जल में भी संचित हो सकता है, कांच में भी संचित हो सकता है, हवा में भी संचित हो सकता है, तो निर्वात में भी संचित हो सकता है। ठीक है बच्चों, किसी भी माध्यम में क्या हो सकता है, संचित हो सकता है, वो मैं बात करूंगा। प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है, एक पारदर्शी और दूसरी अपारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिनमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है, जैसे कांच, ठीक है, पारदर्शी वस्तु है। और बच्चों अपारदर्शी वस्तु किन्हें कहते हैं, जिनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी, बापको विषम लकड़ी ठोस है, इसमें प्रकाश कैसे गुजरेगा, अरे क्यों गुजरेगा, लकड़ी तो अपारदर्शी है, अपारदर्शी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना, हम माध्यम की बात करें। जैसे कांच है, कांच सोलिड है लेकिन पारदर्शी है, तो प्रकाश गमन कर सकता है। क्लियर? तो बच्चों ये बातें हैं, प्रकाश के संचित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। और बच्चों याद रखना, जो प्रकाश का सर्वाधिक वेग, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है बच्चों, निर्वात में होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि जो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो किसमें होता है बच्चों, निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में होता है, ये बात ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये निर्वात क्या होती है, तो बच्चों अभी इंतजार करना, निर्वात क्या होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर वायुमंडल में, वैसे वैसे हमें निर्वात मिलने लगती है। निर्वात जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस वात। नी का मतलब नहीं, वात का मतलब हवा। जहां हवा भी नहीं हो, जहां वायु भी नहीं हो, मतलब वायु की अनुपस्थिति को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। और बच्चों निर्वात हमें कहां मिलेगी, पृथ्वी तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर उनको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहां पर एयर भी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। वायु की अनुपस्थिति को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। और बच्चों निर्वात में जो प्रकाश का जो वेग होता है उसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों निर्वात में जो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और बच्चों प्रकाश का जो निर्वात में जो वेग होता है वो कितना होता है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और बच्चों अगर इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो आपको पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बच्चों 100 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, 10^2 सेंटीमीटर। भाई 100 को मैं 10^2 भी लिख सकता हूं, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 ही आएगा। तो बच्चों यहां पर मीटर है, तो इस मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो बच्चों मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर है 8 और 10 है, जब आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ेंगी, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास में 10 हो जाएगा। तो बच्चों सेंटीमीटर में बात की जाए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3×10^10 है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बच्चों वैसे सेंटीमीटर को सेकंड को केवल एस से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपनी आदत पड़ी हुई है कि सेकंड को हम SEC से लिखते हैं, ठीक है ना, वैसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों अगर इसको मैं
किलोमीटर में चेंज करना चाहूं तो आपको पता है कि जो एक किलोमीटर है उसके अंदर कितने मीटर होते हैं बच्चों, हजार मीटर होते हैं। हजार मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, दस की पावर तीन मीटर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, दस की पावर तीन मीटर लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां पर मैं दस की पावर आठ को ऐसे लिख सकता हूं, दस की पावर पांच इंटू दस की पावर तीन। देखो वही बात है, आधार समान है, गुणा में घाती जुड़ जाएंगी, पांच और तीन आठ। और बच्चों दस की पावर जो तीन मीटर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक किलोमीटर। क्या लिख सकता हूं, किलोमीटर। तो बच्चों जो किलोमीटर के अंदर जो प्रकाश का वेग आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा, तीन गुणा दस की पावर पांच किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले से क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है, कितना होता है, तीन गुणा दस की पावर आठ मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर में बोले तो तीन गुणा दस की पावर दस सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और बच्चों किलोमीटर में बोले तो तीन गुणा दस की पावर पांच किलोमीटर प्रति सेकंड। और बच्चों अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तीन के कितने जीरो आ जाएंगी, पांच जीरो। तो बच्चों इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, दस हजार, लाख। तो बच्चों मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, जो प्रकाश का वेग होता है वो तीन लाख किलोमीटर है, क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, उसका जल्दी से ये कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है तो, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। लॉकडाउन में आपने अभी तक उस वीडियो तो पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं से, यूट्यूब से या अपने स्कूल सर से। तो बच्चों जल्दी से जवाब दीजिएगा कि प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है कितना होता है, वो मैंने आपसे क्लियर किया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में हमारे पास में कितना होता है, मैंने ये चीजें भी क्लियर कर दी है, ये चीजें भी क्लियर कर दी है। तो आप जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जो प्रकाश का जो वेग होता है उसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया है। तो बच्चों जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि सबसे पहले किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो बच्चों प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था, देखिएगा इधर, सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने, रोमर नामक साइंटिस्ट ने क्या ज्ञात किया था, प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो याद रखना, प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो ये बातें क्लियर, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट गुण के बारे में हम बात करते हैं कि जो प्रकाश का जो वेग होता है बच्चों वो किस माध्यम में ज्यादा होता है और किस माध्यम में बच्चों कम होता है। तो बच्चों गुण नंबर फोर के बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में जो प्रकाश का जो वेग होता है बच्चों वो क्या होता है, अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बच्चों यहां पर हम फोर्थ पॉइंट के बारे में, चौथे गुण के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। तो जो बच्चों प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है। निर्वात में कुछ अलग होता है, हवा में कुछ अलग होता है, जल में कुछ अलग होता है, तो कांच में कुछ अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो तो किस में होता है, निर्वात में होता है। निर्वात से कम बच्चों किस में होता है, हवा या गैस में होता है। और बच्चों उससे कम किस में होता है बच्चों, द्रव में होता है। और बच्चों सबसे कम कौन से माध्यम में होता है बच्चों, ठोस में होता है। तो आप ये बात अच्छी तरीके से क्लियर रखना बच्चों कि जो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो बच्चों किस में होता है, निर्वात में होता है। किस में होता है, सर्वाधिक वेग। तो ये बात याद रखना, सर्वाधिक वेग हमारे पास निर्वात में होता है और वो हमारे पास में बच्चों कितना होता है, तीन गुणा दस की पावर आठ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब मैं आपके पास में कंपटीशन एग्जाम में आपके पास में जैसे एक क्वेश्चन बना दिया जाता है कि जल का छीरा, और किसमें, जल का छीरा में
किसमें प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा या फिर ऐसे पूछ सकता है किसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं एक ऑर्डर ले रहा हूं आपको, एक बहुत अच्छा ऑर्डर ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया निर्वात और वो ऑर्डर मैं आपको क्लियर करता हूं, फिर मैंने ले लिया आपको हवा, उसके बाद में मैंने ले लिया आपसे जल, और फिर मैंने ले लिया बच्चों तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, फिर मैंने बच्चों क्या ले लिया कांच ले लिया, फिर बच्चों मैंने क्या ले लिया नायलॉन ले लिया, नायलॉन रेशा होता है बच्चों, ठीक है ना, नायलॉन रेशा, और एक बच्चों मैंने क्या ले लिया हीरा ले लिया। तो बच्चों मैं सबसे पहले मैं आपको इस ऑर्डर के माध्यम से प्रकाश के वेग को और अच्छी तरीके से मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है बच्चों, निर्वात में होता है, इसमें तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बच्चों किसमें होता है प्रकाश का वेग, निर्वात में होता है, कितना होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में बच्चों किसमें होता है हवा में। अब आप कहोगे सर हवा या निर्वात में क्यों प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, क्यों हवा में होता है, हवा या द्रव की बात करें तो हवा में क्यों होता है, ठोस या द्रव की बात करें तो द्रव में क्यों होता है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, निर्वात में जब प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट या बाधा नहीं आती है, इसलिए प्रकाश आसानी से तीव्र वेग से गमन करता है। बच्चों हवा में जैसे ये हवा है पूरा एयर माध्यम है, यहां पर मैं हाथ को घुमा रहा हूं, जो कण है हवा के अंदर या गैस के अंदर आपको पता है कि अभी भी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तो मेरे हाथ से टकरा भी नहीं रहे, टकरा रहे तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। जबकि द्रव में आप किसी बाल्टी में हाथ देकर के चलाइए आप पर कुछ फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि हवा की तुलना और बाल्टी के, जब बाल्टी के अंदर अगर मैं जल के बारे में बात करूं तो उस जल में अभिविकरण पास पास है, पास पास है, तो उसके जब आप हाथ को चलाओगे तो रुकावट या बाधा ज्यादा आएगी, और ठोस में तो वो बाधा सबसे ज्यादा आएगी। वही बात अगर आप दौड़ना पसंद कर रहे हो किसी, आप मान लो कि आप किसी पुलिस फोर्स की वैकेंसी भर्ती देख रहे हो और आपको ये बोल दिया जाए कि आप 1000 के बैच में दौड़ोगे या 100 बच्चों के बैच में दौड़ोगे या 10 बच्चों के बैच में दौड़ोगे या अकेला दौड़ना पसंद करोगे, तो आप कहोगे सर अकेला दौड़ना पसंद करूंगा, क्यों 1000 में खड़े हो गए तो पता नहीं अगर पीछे है तो पीछे रहेंगे, हम उनको क्रॉस ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस भी करेंगे तो बीच में रुकावट बाधा ज्यादा आएगी। तो वही बात हमारे लाइट के अंदर है, क्योंकि निर्वात में जब प्रकाश गमन करता है तो उसके मार्ग में, उसके संचरण के मार्ग में कोई रुकावट या बाधा नहीं होती है, इसलिए प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। हवा में कुछ कम होता है, कुछ कम, क्योंकि कुछ रुकावट या बाधा होती है, धूल के कण या बहुत सारे अभिविकरण होते हैं लेकिन वो दूर दूर होते हैं, द्रव में अभिविकरण पास पास होते हैं तो रुकावट और बाधा और ज्यादा रहती है, ठोस में तो बहुत ही ज्यादा रहती है, इसलिए बच्चों ये ऑर्डर हो गया। तो बच्चों हवा या निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होगा, निर्वात में होगा। उसके बाद में मैं बात करूं हवा और जल में, तो आपको पता है हवा में कण क्या है दूर दूर है, जल में कण क्या है पास पास है, पास पास है तो रुकावट या बाधा ज्यादा आएगी, इसलिए प्रकाश का जो हमारे पास में जो वेग होगा बच्चों वो हवा में क्या होगा ज्यादा होगा, जल में बच्चों क्या होगा कम होगा। और बच्चों याद रखिएगा जल और तारपीन का तेल, जल भी द्रव है तारपीन का तेल भी द्रव है, अब दोनों ही द्रव है, तो बच्चों उस द्रव में प्रकाश का वेग कम होगा जिसमें अभिविकरण पास पास होंगे। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं जो द्रव गाढ़ा होगा, जो गाढ़ा है इसका मतलब उसके अंदर अभिविकरण क्या है पास पास है। तो बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जल और तारपीन के तेल की अगर मैं बात करूं तो जो प्रकाश का वेग होगा वो किसमें ज्यादा होगा, जल में ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा जल में ज्यादा होगा। जल में जो प्रकाश का वेग होगा वो हमारे पास में कितना होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास में 2.25×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आप कहोगे सर जल और तारपीन के तेल में, जल में प्रकाश का वेग ज्यादा क्यों होगा और तारपीन के तेल में प्रकाश का वेग जो होगा वो कम क्यों होगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है बच्चों वो किसके विकर्मानुपाती होती है, वो किस पर डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर, किस पर डिपेंड करता है अपवर्तनांक म्यू पर। और आपको अच्छी तरीके से यहां से पता लग रहा है अगर अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा
तो प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। और अगर अपवर्तनांक कम है तो उसका वेग क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, जो तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल उसका जो अपवर्तनांक होता है बच्चों म्यू, वो होता है 1.47। और जबकि जो जल है उसका जो अपवर्तनांक है वो बच्चों हमारे पास में क्या कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जल और तारपीन के तेल के अगर अपवर्तनांक की बात करूं तो जल का अपवर्तनांक क्या है बच्चों, कम है। और जब अपवर्तनांक कम होगा तो वेग क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इसलिए बच्चों जल के अंदर प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, तारपीन के तेल के अंदर प्रकाश का वेग कम होगा। तारपीन की तेल की कांच की बात की जाए तो बच्चों कांच क्या है, ठोस है। तारपीन का तेल क्या है, द्रव है। तो आपको पता है द्रव और ठोस में प्रकाश का वेग ज्यादा किसमें होगा बच्चों, किसमें होगा बच्चों, द्रव में ज्यादा होगा। तो ये बात क्लियर। अब बच्चों कांच और नायलोन के रेशे के बारे में मैं बात करूं तो बच्चों नायलोन के रेशे के अंदर प्रकाश का वेग जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कुछ कम होता है। कम होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कांच से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। कांच होते हैं हमारे पास भी बहुत सारे टाइप के कांच होते हैं, फ्लैट कांच, क्राउन कांच, लेकिन मैं यहां पर जो अपवर्तनांक लिख रहा हूं वो किसकी लिख रहा हूं, क्राउन कांच की लिख रहा हूं बच्चों में। और वो कितना होता है, 1.52 या 1.51 के आसपास होता है। फ्लैट कांच का थोड़ा ज्यादा होता है, 1.65 होता है। ठीक है ना, तो बच्चों याद रखना प्रकाश का वेग होता है वो नायलोन, अगर कांच के बारे में बात करूं तो कांच में क्या होता है, ज्यादा होता है बच्चों। कांच में कितना होता है हमारे पास में, 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और जबकि बच्चों नायलोन के अंदर जो प्रकाश का वेव होता है वो हमारे पास में कितना होता है, 1.96×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है, कुछ ही कम होता है। ठीक है ना, और बच्चों हीरे के अंदर मैं बात करूं तो प्रकाश का वेग इन सब में से सबसे कम किस में होता है बच्चों, हीरे के अंदर होता है। और हीरे के अंदर जो हमारे पास में जो प्रकाश का वेग होता है वो बच्चों हमारे पास में कितना होता है, ये बात ध्यान रखना, 1.24×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि जो हीरा का जो हमारे पास में जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है वो बच्चों हमारे पास में कितना होता है, 2.42, जो इनमें से सबसे ज्यादा होता है बच्चों। ये बात आप अच्छी तरीके से क्लियर रखना, ये प्रकाश का वेग आप याद रखो या मत याद रखो, बस केवल इतना सा याद रखना कि प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ये होता है। अगर थोड़ा बहुत और भी याद रखना चाहो तो केवल जल का याद रख लेना, जल में 2.25 होता है। और बच्चों ये बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं किसके अंदर बच्चों, कांच के अंदर बात करूं तो 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और बच्चों हीरे के अंदर ये होता है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हीरा किस घटना के कारण चमकता है, तो बच्चों याद रखना हीरा है वो हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हमारे सिलेबस में हटा दिया गया है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण, घटना के कारण क्या करता है हीरा, चमकता है। क्या करता है बच्चों, चमकता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से बच्चों क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों, 2.42 होता है। ठीक है ना, तो यहां तक ये आपकी क्लियर होना चाहिए। और बच्चों एक बहुत ही मजेदार बात है, और वो बच्चों मजेदार बात क्या है कि जो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ध्वनि का वेग ताप पर निर्भर करता है। ठीक है ना, क्योंकि ध्वनि और प्रकाश के अंदर बात की जाए, कंपैरिजन की जाए, तो बच्चों ये भी याद रखना प्रकाश का वेग ताप पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ध्वनि का वेग ताप पर डिपेंड करता है। और बच्चों प्रकाश के वेग का मापन किसने किया था, ये मैंने आपको बता दिया, रोमर नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश के वेग को मापन किया था। तो चलो आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर कमेंट कीजिए, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि कोई डाउट है। तो चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम आगे बात करते हैं, अब हम पांचवें गुण के बारे में कि पांचवा गुण कौन सा है बच्चों। तो यहां तक आप सभी के क्लियर हो गया है, तो देखो
अब मैं बात करता हूं बच्चों कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं, बच्चों वो प्रकाश तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें भी बच्चों हमें पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो चलो बच्चों मैं बात करता हूं आपसे। नेक्स्ट, सबसे पहली बात तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और बच्चों यह बात किसने बताई थी आपको? मैक्सवेल ने बताया, ठीक है ना। तो यह बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों, प्रकाश क्या है। तो बच्चों याद रखना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है बच्चों? तरंग है। इसके बारे में बच्चों किसने बताया है? तो यह भी याद रखना, किसने बताया है बच्चों? मैक्सवेल ने बताया है। किसने बताया है? मैक्सवेल ने बताया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो बच्चों क्या होती है? तो याद रखना, प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखना बच्चों, प्रैसे प्रकाश और प्रैसे प्रस्थ। प्रकाश क्या हो गया? प्रस्थ हो गया। प्रस्थ मतलब अनुप्रस्थ हो गया। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। और बच्चों यह बात किस प्रयोग से सिद्ध होती है? तो याद रखना, यह बात ध्रुवण के प्रयोग से क्या होती है? सिद्ध होती है। बच्चों पहले किसी को नहीं पता था कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, लेकिन फेनल नामक वैज्ञानिक ने ध्रुवण की खोज करके ये बात सिद्ध कर दिया कि जो प्रकाश होता है उसकी प्रकाश तरंगे होती हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। जो किस बात से सिद्ध होती है? ध्रुवण के प्रयोग से सिद्ध होती है। तो बच्चों ये याद रखना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यह बात किस प्रयोग से सिद्ध होता है? तो बच्चों किससे सिद्ध होती है? ध्रुवण के प्रयोग से सिद्ध होती है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब आपको एक बात बताओ, प्रकाश जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंगे हैं। इसलिए ये बात बताओ, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी प्रकृति भी क्या होगी? अनुप्रस्थ होगी। तो बच्चों ये बात भी क्लियर होना चाहिए कि जब प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण भी वही होंगे जो प्रकाश के गुण होंगे। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति भी कैसी होगी? अनुप्रस्थ होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक वेग भी किसमें होगा? निर्वात में होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों को गति करने के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग भी अलग अलग माध्यम में क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा। तो ये चीजें क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने यहां पर प्रकाश तरंगों की प्रकृति बताई है, न कि प्रकाश की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वह क्या होती है, तो बच्चों प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह कणीय भी होती है, और बच्चों प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय भी होती है। तो बच्चों याद रखना, जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी होती है? द्वैत होती है। द्वैत का मतलब डबल होती है। और बच्चों डबल का मतलब क्या है? कि डबल का मतलब यह है वो कणीय भी होती है और वो क्या होती है? तरंगीय भी होती है। तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति है अनुप्रस्थ, और प्रकाश की प्रकृति क्या है? कणीय, और बच्चों क्या है? तरंगीय है। बच्चों याद रखना, प्रकाश तरंगों की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत होती है मतलब कणीय और तरंगीय दोनों होती है। यह बात किसने बताई थी? सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताई थी। किसने बताई थी? डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम बताया था किसके बारे में? प्रकाश की प्रकृति के बारे में, प्रकाश की प्रकृति
कणियां और तरंगी अब होती है इसके बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वो बात न्यूटन की थी, ठीक है ना। लेकिन न्यूटन फेल हो गए थे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, मतलब कणियां और तरंगियां दोनों होती है। और बच्चों यह बात किसने बताई, डी ब्रोगली ने। किसने बताई, डी ब्रोगली ने। लेकिन डी ब्रोगली ने यह बात केवल और केवल सैद्धांतिक रूप से बताई थी, थ्योरेटिकल रूप से बताई थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। और बच्चों प्रायोगिक रूप से इसका सत्यापन किसने किया था, प्रायोगिक रूप से सत्यापन किसने किया था बच्चों, तो करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डेविसन व जर्मन। डेविसन और जर्मन दो साइंटिस्ट थे जिसके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 में आपको डिटेल से पढ़ाया था। लास्ट में टॉपिक था डेविसन जर्मन का प्रयोग, ठीक है बच्चों। वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, वहां मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है जो आपके अब सिलेबस में हट गया है। तो बच्चों डेविसन जर्मन ने सबसे पहले प्रैक्टिकली रूप से बताया कि जो लाइट होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो कणीय और तरंगीय होती है। सबसे पहले थ्योरेटिकल रूप से डी ब्रोगली ने बताया, इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, डेविसन और जर्मन ने किया, ठीक है। और बच्चों प्रकाश होता है उसके अंदर कणीय रूप तो क्या होता है बच्चों, फोटोन होता है। कण के रूप में प्रकाश के अंदर क्या होता है, फोटोन होता है। और बच्चों तरंग के रूप में प्रकाश के अंदर क्या होती है, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको अलग से एक टॉपिक डाल करके पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम में, कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, किस प्रकार से होती है। पहले यह बात क्लियर। उसके बच्चों बाद हम कुछ और बेसिक क्वेश्चनों के बारे में बात करें कि जो हमारे पास में जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है, देखो प्रकाश की तीव्रता बच्चों, जब हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए कि प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, मापने वाला यंत्र कौन सा है। बच्चे बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तो हमारे पास में क्या है, एक्टोमीटर है हमारे पास में। वो बच्चों कौन सा है, एक्टिनोमीटर। क्या है हमारे पास में, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, एक्टिनोमीटर से मापी जाती है। और आप ये भी याद रखना जो प्रकाश होता है सूर्य से पृथ्वी तक है, प्रकाश पहुंचने में लगा समय कितना होता है। तो बच्चों याद रखना कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकंड या फिर मैं कह सकता हूं 500 सेकंड। और बच्चों काफी बार इसको ऑप्शन में 496 सेकंड भी दे देता है। और बच्चों याद रखना जब 496 सेकंड देगा तो 500 सेकंड आपको नहीं देगा। और बच्चों काफी बार आपको ये डाटा नहीं देकर के आपको ये भी दे देता है 8 मिनट 16 सेकंड। बच्चों जब आपको मैंने एनसीईआरटी का डाटा लिया है आपसे, ठीक है ना, एनसीईआरटी में हमें क्या दे रखा है, 8 मिनट 20 सेकंड दे रखा है। बच्चों काफी जगह मैंने ये देखा है, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें ऑप्शन में ये नहीं देकर के ये दे रखा है। तो बच्चों याद रखना ये ऑप्शन में देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का मैंने डाटा लिखा है क्योंकि ये कन्वर्जन हमें पहले से ज्ञात करके पता होना चाहिए ताकि हम तुरंत उसका जवाब दे सके, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास तक हम यहीं रखते हैं, फिर हम वापस मिलते हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, ठीक है ना, अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए। धन्यवाद।